सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय संध्या चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या .com में। आज हम बनाने जा रहे हैं मट्ठी। बिल्कुल खस्ता मट्ठी बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट की तरह और बिना बेकिंग पाउडर डाले हुए। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी खस्ता मट्ठी बनाने के लिए। मैदा मैंने लिया है 300 ग्राम, आधा छोटा चम्मच अजवाइन है, आधा छोटा चम्मच नमक लिया है, 50 ग्राम ऑयल लिया है मैदा में डालने के लिए, और ये ऑयल लिया है मट्ठी फ्राई करने के लिए। तो मट्ठी बनाने के लिए आटा गूंद के लगा लेते हैं। एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे। मैदा को मैंने पहले से छान के रखा हुआ है, प्लेट में मैदा रख लेंगे। नमक डाल लेंगे, अजवाइन ले लेंगे, इसको हाथों से हल्का सा क्रश करते हुए डालेंगे। इससे इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। ऑयल डाल लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों से एक हाथ ऐसे रखेंगे नीचे और ऊपर एक हाथ, और बीच में ऐसे मैदा रखेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसा हमें 5-7 मिनट करना है, इससे हमारा मट्ठी काफ़ी खस्ता बनेगा। मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं कि इसको ऐसे मुट्ठी से बांध देंगे तो ये लड्डू की तरह बनना स्टार्ट हो जाएगा। हल्का हल्का पानी का छींटा मारते हुए इसको घोटना है। बिल्कुल हल्का हल्का पानी डालेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैदा हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंथना है, थोड़ा सा कड़क ही रहना चाहिए। मैदा अच्छे से गूंथ कर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंथा है मैंने और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके छोटे छोटे लोइया तैयार कर लेंगे, ऐसे करते हुए नींबू के साइज से भी थोड़ा सा छोटा, इतना इतना। फिर लोइया कट कर लेंगे और ऐसे हल्का सा इसको गोल गोल कर लेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे करके दबा देंगे। ऐसे करते हुए सारे मट्ठी तैयार कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे गर्म होने के लिए। जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा तब तक बाकी की मट्ठी हम तैयार करके रख लेंगे। ऑयल रखेंगे गर्म होने के लिए। मट्ठी फ्राई करने के लिए ऑयल का काफ़ी अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, मट्ठी डाल लेंगे इसमें फ्राई करने के लिए। एक बार में जितना आसानी से फ्राई हो पाएगा उतना ही रखेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार बड़े साइज की भी मट्ठी बना सकते हैं। गैस को मीडियम पे कर लेंगे। जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब इसको एक एक करके पलट देंगे।
एक साइड हल्का ब्राउन होने लग गया है, एक एक करके इसको पलट लेंगे। ऐसे इसको उलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। मट्टी अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आ गया है इसका। किसी प्लेट में टिश्यू पेपर रख कर इसके ऊपर रख लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। ऐसे ही करते हुए सारे मट्टी को फ्राई कर लेंगे। हमारा मट्टी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, काफ़ी खस्ता और टेस्टी बना है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितना खस्ता बना है। तो आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।